नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है सगाली न्यूज में। दिस इज दुखम रिमा। आज हम आए हैं बंडरदेवा में, जहां अरुणाचल यूथ कांग्रेस द्वारा पद यात्रा आयोजित किया जा रहा है। और जिस प्रकार आप सब देख सकते हैं, यहां पर अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस के जितने भी लोग हैं यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आज ये यात्रा रहेगा बंडरदेवा से लेकर नाहरलगुन तक। अरुणाचल यूथ कांग्रेस के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, टीम है, वो अब पहुंच चुके हैं निरजुली। और आपको बताना चाहेंगे, बंडरदेवा से लेकर निरजुली तक लगभग 10 किलोमीटर ये सभी पैदल चल के आए हैं। तो चलिए जानते हैं कि वे लोग किस तरह से महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार आप सब जानते हैं कि यहाँ के रास्ता का जो कंडीशन है वो भी बहुत ठीक नहीं है। तो सुबह से लेकर निरजुली तक पैदल चल के आए हैं, तो रास्ता का कंडीशन भी ठीक नहीं है। आप लोग अभी कैसे फील कर रहे हो? यही हमारा अरुणाचल में क्या क्या इश्यूज़ हैं जड़ से जानने के लिए, यही उसी के लिए हमारा भारत जोड़ो यात्रा एक तरफ से मकसद हो भी है। अभी रास्ता का हालत किस कंडीशन में, ये यात्रा के द्वारा हमें पता चला। जो रास्ता अभी मानता है, अभी कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है, एक टेंडर स्टेज पे है, बट जिस कंडीशन अभी रास्ता है वो वर्स्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो भी कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, एक्सिस्टिंग रोड को मेंटेन करते हुए और आगे की जो अपना पैकेज है उसको कंटिन्यू करना चाहिए था। अभी हर जगह हमें पुल देखने को मिला है, मछली पुल, जहाँ अगर कोई अगर उसमें चलना चलेगा तो डूबने का चांस है। गाड़ी भी चलना बहुत मुश्किल था हमें, पैदल चल गाड़ी चलना छोड़ो, हमारा पैदल चलना भी बहुत मुश्किल था। पूरा जूता बिक बिक के आया, पुल में पैर दुबा दुबा के आया। तो रास्ता ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए। स्टेट सरकार इसको ध्यान देना है। कैपिटल रोड जो बहुत महत्वपूर्ण है, हाईवे जो असम को टच करता है, सैकड़ों लोग डेली बेसिस पर आना जाना करता है, ये रास्ता अभी जिस स्टेज पर उसको तुरंत से तुरंत ध्यान दे के मेंटेनेंस ये मेंटेनेंस का आदेश देना है। जो जो भी एजेंसी है, ये हम सरकार को अप्रोच करते हैं। हमारे भारत जोड़ो यात्रा के थ्रू से आज रास्ता की जो हालत है ग्रास रूट लेवल में हमें जानने को मिला है। तो सीएम साहब, जो भी सरकार चलाता है ये अरुणाचल में, आप लोग भी ऐसे एसी में बैठ के भाषणबाजी ना करते हुए सड़क पे आ करके सड़क का हालत को, सड़क का कंडीशन को मुआवजा लेना चाहिए, ग्रास रूट से जानना चाहिए। सरकार को हम ये रिक्वेस्ट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी हाँ दर्शकों, जिस प्रकार आप सब देख सकते हैं कि आप हमारे साथ सुबह के 6 बजे से अब तक लगातार है, तो आपको बताना चाहेंगे कि बंडरदेवा से लेके जो निरजुली का जो रोड कंडीशन है इस वक्त, वो बहुत ही बुरा है उनका रोड कंडीशन। आप देख सकते हैं कि हर जगह गड्ढा पड़ा हुआ है। और जिस प्रकार हम सब ने सुना कि यहाँ के लोगों का कहना है, मानना है कि यहाँ पर गाड़ी का भी चलना बहुत मुश्किल है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो लोग पैदल चल रहे हैं वो किस प्रकार चल रहे होंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि बंडरदेवा से लेके कई सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं। और इस वक्त जो रास्ता है, और स्पेशली मॉनसून सीजन में जिस प्रकार बारिश आ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि बहुत भयानक कंडीशन है रास्ता। चल रहे हैं, सुन रहे हैं, देश की राहों में मिल रहे हैं। Oh,
ऐसा लग रहा है यहाँ पे इंटीग्रिटी को हम लोगों का एम्बिशन है, एम एंड ऑब्जेक्टिव है हम लोगों का इंटीग्रिटी। सो राहुल गांधी जी का जो अगले 19 तारीख को जन्मदिन है, ये जन्मदिन के नाते भारतवर्ष के हर एक स्टेट में यूथ कांग्रेस ने ये भारत यात्रा राहुल जी का जो अहम उनका जो आशा है, उनका जो सपना है, वो सपना को साकार करने के लिए कि सार ने अभी कहा है कि उन्होंने जो बात हम लोगों का सामने में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हर एक कास्ट, हर एक कम्युनिटी सब एक साथ एक होकर के विथ लव एंड इंटीग्रिटी हम लोग आगे चलना चाहते हैं। तो यही बात को, राहुल जी का बात को गांव-गांव में लाने के लिए, गांव-गांव में हर एक जाति में, हर एक अपना एरिया में, कम्युनिटी में ये बात को लाने के लिए यूथ कांग्रेस ने जोनी भाई का नेतृत्व में, हम लोग APCC का अध्यक्ष साहब भी यहाँ पे है, और राहुल जी का आवाज़ को हर एक गांव पे ले जाने के लिए राहुल जी का जन्मदिन 19 तारीख को सामने रखते हुए ये यात्रा हम लोगों ने किया है। और अरुणाचल तो बहुत अच्छा स्टेट है, बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का लोग इतना सिंप्लिसिटी बहुत अच्छा है। तो हम लोग ये मानते हैं कि अगले आने वाला यूथ सब लोग यूथ कांग्रेस का साथ में जोड़ेंगे। और सर जो आने वाला जो इलेक्शन है, क्या कांग्रेस जीत पाएगा सर? सार तो इतना एक्सपीरियंस आदमी है, इससे तो सबसे ज़्यादा इसका अच्छा आंसर सार का पास में है। और हम लोग तो फुल फ्लेजेडली हम लोगों का ये एनर्जेटिक हो रहा है यूथ। देखिए सुबह 6 बजे से इतना दूर वॉकिंग कर रहा है, ऐसे सिर्फ यहाँ पे नहीं, सारा अरुणाचल में ऐसे ही मिलेगा। तो हम लोग तो फुल फ्लेजेट हम लोगों का तो ये उम्मीद से रखा हुआ है कि 24 में तो सरकार 100% आएगा अरुणाचल में। आज भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी का हम लोग आवाज़ लेके उसका मार्गदर्शन को लेते हुए हम लोग बंदर देवा जो चेक गेट से शुरुआत हुआ है, यूथ कांग्रेस प्रेजेंटर जोनी भाई और उनका साथीगण आयोजित किया है, और साथ में नेशनल जनरल सेक्रेटरी वाजिद भाई जो इंडियन यूथ कांग्रेस से जो इंचार्ज है अरुणाचल का, आज इसमें इस यात्रा में पार्टिसिपेट किया है। उसका यात्रा का सुबह से आप प्लेगअप करके अभी साथ में चल रहा है, ये 2 दिन का यात्रा होगा। तो ये भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही साथ हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का भी शुरुआत है। युवक कांग्रेस अभी गांव-गांव में चलेंगे और हर जिला में चलेगा, क्योंकि ये शुरुआत है और उनको पार्टी से आदेश है कि आगे और चलना है। जब तक हम लोग का कमियाँ पूरा नहीं होगा, जब तक भारत नहीं जुड़ेगा और भारत सुरक्षित नहीं होगा, जब तक भारत में शांति नहीं लाएगा, तब तक ये यात्रा चलते रहेगा। ये राहुल गांधी जी का मिशन है और उनका मार्गदर्शन है, उनका आवाज़ है कि नफरत को मिटाना है और मोहब्बत को जोड़ना है। मोहब्बत का बाजार में नफरत का बाजार में मोहब्बत का बाजार में मोहब्बत जुड़ेंगे, मोहब्बत का दुकान खोलेंगे। तो ये स्लोगन लेते हुए हम लोग आगे चलेंगे। और सर ये देखा जाए कि जो आपका जो भारत जोड़ो यात्रा है वो तो पहले से चल के आ रहा था सर, आप जो यहाँ आयोजित कर रहे हैं सर, ये इलेक्शन जो आने वाला साल में इलेक्शन है सर, उसके लिए कर रहे हैं ना सर, क्या है सर? ये यात्रा इलेक्शन के लिए नहीं है, ये यात्रा भारत को जोड़ने के लिए यात्रा है और हर जनजातियों को एक साथ जोड़ने के लिए यात्रा है और भारत को शांति लाने के लिए यात्रा है और भारत को प्रोग्रेस प्रोस्पेरिटी लाने के लिए यात्रा है। ये आम जनता के लिए, विशेष करके जो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए सुरक्षित के लिए यात्रा है और युवकों के लिए रोजगार के लिए यात्रा है। ये यात्रा एक आवाज़ है, ये एक आवाज़ बन करके युवक तक चलेंगे और हर गांव तक चलेगा और लोगों को जागृत करेगा। ये यात्रा इस प्रकार का यात्रा है। थैंक यू वेरी मच। यह यात्रा यूथ कांग्रेस ने आयोजन किया है, लेकिन कोई भी संगठन जुड़ सकते हैं,
हम अपील करूंगा कि सभी जनजातियों को विशेष करके युवाओं को मैं अपील करूंगा कि इस प्रकार से यात्रा में जुड़े और पार्टिसिपेट करें और पार्टिसिपेट करके बारों को जोड़ने में मदद करें। कांग्रेस ने इंडियन यूथ कांग्रेस दिल्ली से दिल्ली के आदेश पर दो दिन का भारत जोड़ो यात्रा रखा बांदरदेवा से लेके ईटानगर। आज पहला दिन में बांदरदेवा से लेके नाहरलगन सेवादल ऑफिस तक रखा गया है। इस पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये हमारा राहुल गांधी ने जो मैसेज देश में फैला के रखा है, जो बीजेपी सरकार के खिलाफ जो नफरत इस देश में फैला के रखा है, एक दूसरे को दुश्मनी बना के रखा है, आपस के भाईचारा को जो ख़त्म करके रखा है, डेमोक्रेसी को जो ख़त्म करके रखा है, उसको राहुल गांधी ने जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक शुरुआत किया था। तो आने वाला 19 तारीख में राहुल गांधी जी का बर्थडे है, तो राहुल गांधी जी का बर्थडे को यूथ कांग्रेस देश भर में मनाने के लिए सुंदर तरीक़ा से मनाने के लिए हमारा स्टेट में दो दिन का पदयात्रा रखा, भारत जोड़ो यात्रा रखा, बाकी स्टेट में तीन दिन का एक दिन का ऐसे है, लेकिन हमारा अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल यूथ कांग्रेस ने दो दिन का भारत जोड़ो यात्रा रखा। हमारा स्टेट में ईटानगर में ये भारत जोड़ो यात्रा रखने का मकसद ये है, अरुणाचल में जो सरकार है बीजेपी सरकार जो है, जो डेमोक्रेसी को ख़त्म करके रखा है, जो फ्रीडम को ख़त्म करके रखा है, एंटी डेमोक्रेटिक जो सरकार चला रहा है उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम यूथ कांग्रेस मिलके सड़क पे उतर आया है। सभी यूथ को रिक्वेस्ट करता है इस मुहिम में आप सब जोड़िए, अरुणाचल को जोड़ने में मदद साथ दीजिए, ये हम अपील करते हैं पूरे जितना भी अरुणाचल की यूथ से और सभी वर्गों के जो सोसाइटी की जो जितना भी मेंबर्स है उनसे भी मैं अपील करता हूँ डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने के लिए इस स्टेट में डेमोक्रेटिक राइट को मेंटेन रखने के लिए, फ्रीडम को सेकुलरिज्म को मेंटेन रखने के लिए मैं सभी सोसाइटी के मेंबर्स को स्पेशली यूथ जो हमारा राज्य की भविष्य है उन सबको जोड़ने के लिए मैं अपील करता हूँ।